देखिए आज का दिन बहुत ही खास है। विश्व भर में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छी बात है, लेकिन यकीन मानिए सबसे खास होगा वो लम्हा जब आपको महिलाओं के लिए दिन मनाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। जरा सोच के देखिए और हमारी ये खास खबर देखिए। नारी का सम्मान हर रूप में होना चाहिए। वुमेन्स डे के अवसर पर आज SBS ओरिजिनल्स एक ऐसी नारी के बारे में आपको अवगत करवाना चाहता है जिसका जन्म तो हुआ था नर के रूप में मगर उसके शरीर में एक नारी का हृदय धड़कता था और इस बात का एहसास होते ही बड़ी मुश्किलों का सामना करके गौरव अब बन गया है गौरी। आई थिंक पहले तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि आपने सास बहू और साजिश ने मुझे औरत बोला, विच इज़ दिस इज़ माई राइट। ये मेरा एक यू नो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वुमेन्स डे उतना ही स्पेशल है मेरे लिए जितना कि हर एक नॉर्मल औरत के लिए है। सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाकर वो अब नर से नारी में रूपांतरित हो गया है। लड़के से लड़की बनने वाली गौरी के इस फैसले में उसका परिवार का साथ तो मिला है मगर अभी भी उस सम्मान की उसे कामना है जो उसे समाज से मिलना चाहिए। मैं जब मैंने गौरव टू गौरी का सफर शुरू किया तो जब मैं गौरव थी तो मुझे रिच पार्टीज के इनविटेशन आते थे। द मोमेंट मैंने अपनी लड़ाई शुरू की और मैंने सोसाइटी को बताया कि मैं आपका नहीं सुनूंगी तो मुझे इन्विटेशन आने बंद हो गए। रिच सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट करना बंद कर दिया तो मुझे बहुत ही दुख लगता है कि आई थिंक जो रिच स्कॉल सोसाइटी अपने आप को मॉडर्न बोलती है, अपने आप को सोफेस्टिकेटेड बोलती है, रिच बोलती है, आई थिंक इन माई आईज दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट सोफेस्टिकेटेड, दे आर द मोस्ट जजमेंटल पर्सन ऑन दिस प्लानट रादर देन मिडिल क्लास। आई सल्यूट द मिडिल क्लास फैमिली बिकॉज जब मैंने गौरव टू गौरी का सफ़र शुरू किया मैं एक मिडिल क्लास एरिया में रहती थी, मुझे वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, मुझे वहाँ के लोगों ने बेटी बोल के औरत का दर्जा दिया बट ना कि एक रिच सोसाइटी ने। कहते हैं लड़का अपनी माँ के करीब होता है और लड़की बाप के। गौरव जब गौरी में परिवर्तित हो गई हैं, क्या उनके जीवन में इस बदलाव के कारण माँ बाप के साथ वाले रिश्ते में कोई बदलाव आया है ये जानना भी तो जरूरी है। पहले मैं अपने फादर के साथ ज़्यादा क्लोज थी व्हेन आई वाज गौरव बिकॉज ऑब्वियसली एक लड़का बाप को दोस्त समझता है, लेकिन आज अगर मैं अपने फादर के साथ एक रूम में 10 मिनट बैठूँ तो मुझे अनकम्फर्टेबल ऑब्वियसली जैसे एक लड़की को होता है होने लगता है। और मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ सोने में, बात करने में, और यू नो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक माँ और बेटी ही समझ सकती हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। लेकिन मेरे फादर भी ही इज़ अच्छा वुमेन्स मैन एंड देन ही लव टू पैम्पर, यू नो आई हैव अ सिस्टर एंड देन वी आर टू डॉटर्स एंड देन ही लव टू पैम्पर माई मॉम एंड माई यू नो, तो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क लगा नहीं खैर। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो द मोमेंट मैंने अपने आप को चेंज किया तो मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा क्लोज हो गई और फादर के साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज नहीं कर पाऊँगी। गौरव के कई दोस्त थे और गौरी के भी हैं मगर हाँ कुछ पुराने दोस्तों ने नाता तोड़ लिया है और सिर्फ दोस्त ही नहीं उसके रिश्तेदारों ने भी अभी तक गौरी को स्वीकार नहीं किया है। एक ट्रांस वुमन के साथ रिश्ता रखने के लिए हर कोई तैयार नहीं है। इनिशियली जब किसी को डेट कर रही थी तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गुस्से में आके ऐसी कुछ चीज़ें बोली हैं ब्रेकअप के दौरान जो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल थी कि एक इंसान जो मुझे प्यार करता है साथ ही में ब्रेकअप होते ही वो मुझे कुछ नाम से पुकारता है, तो किसी इंसान के लिए मुझे किसी नाम से या मुझे गाली दे देना बहुत इजी है, वो हो सकता है वो भूल जाए 2 मिनट के बाद, लेकिन मेरे लिए वो गाली लेना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत दर्द सहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इंसान मुझे कोई नफरत दे क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है किसी को, यू नो आई डोंट डिज़र्व हेट, आई डिज़र्व लव। सो मैं उस चीज़ से ओवरकम किया मैंने, और लेकिन उस शब्द की वजह से आज भी मुझे डर लगता है कि मैं किसी दोस्त के साथ हूँ या जो इंसान मुझे बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है
हो सकता है पीछे पीछे मेरी पीठ के पीछे वो मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हो। चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, मगर गौरी इन सारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही हैं। SBS Originals नारी के स्वरूप को सलाम करता है और उसकी हिम्मत और हौसले की तारीफ भी करता है। मुंबई से मेघा थदानी और सुरभि रणसिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।